समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भले ही अपने विधायक या नेताओं को हद में रहने की नसीहत देते हों, लेकिन उनके सिपहसालार मानने को तैयार नहीं है। ताजा मामला आगरा के थाने सिकंदरा का है, जहां 13 नवंबर को घर से गायब हुई लड़की सिरसागंज के एसपी विधायक के घर में मिली है। लड़की का आरोप है कि विधायक के शागिर्द ने उसके साथ रेप भी किया। लड़की कह रही थी हरिओम विधायक के मकान में इलाहाबाद में ही रह रहे थे और रविंद्र और बखोल नाम ले रही वो अमित और रविंद्र के मामा तीन जने वो पैसा देते हरिओम विधायक ये लोग पैसा देते अंकुर को और जब भाई साहब नहीं होते तो आज मेरी लड़की नहीं मिलती। एक महीना तो इन लोगों में पकड़ के लेके आया हूँ तो ये अमजद जोड़ा उनका नाम मत लो हरिओम विधायक का, वो जो हरिओम विधायक का पूरा सपोर्ट है और इन्हें हमको धमकी दे रहे थे, हमारे भाई को हमारी भाभी से कह रहे थे, हमारे भैया से कह रहे थे, अभी तो मोड़ी गई है तुम्हारी लुवाई को ले जाऊंगा। पुलिस हमको मार रही है, दबा रही है सब केस को, पूरा 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 थाना मारपीट कर रही है हमारे साथ, अभी तक लड़की बराबर नहीं हुई, केवल एक पुलिस वाला जाके लड़की को लेके आया है, ये हरिओम विधायक का नाम नहीं ले। तो सुना आपने, ये दर्द और आक्रोश है यूपी में समाजवादी पार्टी के उस विधायक के खिलाफ जो अखिलेश राज में समाजवाद की दुहाई देकर जनता के बीच पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम राय पर इल्जाम है कि इन्होंने एक लड़की को पहले तो किडनैप करवाया, फिर उसे अपने घर में बंधक बनाकर भी रखा और इनके शागिर्द ने लड़की की आबरू से भी खिलवाड़ किया। हालांकि अपने ऊपर लगे इल्जामों को समाजवादी पार्टी के विधायक सिरे से खारिज करते रहे हैं और पूरे मामले को साजिश करार दे रहे हैं। षड्यंत्र के तहत इसमें मीडिया का मुझे बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र है, मीडिया भी शामिल है इसमें और कुछ राजनीतिक लोग जो मेरी लोकप्रियता से बौखलाए हुए उनकी ये साजिश है। दरअसल आगरा के एक कस्बे में रहने वाली लड़की अपने रिश्तेदार के पास सिकंदरा इलाके में के नगर गई थी, जहां 13 नवंबर को पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर अपने साथी के साथ जबरन उसे किडनैप कर ले गया था। कहा जा रहा है कि अंकुर ने विधायक के शह पर ही लड़की को किडनैप किया, उनकी वो एक कमरा मिला था उसी के। अच्छा, गलत काम किया था उन्होंने? मुझे बोलो बेटा, अरे विधायक ने गलत काम किया था ना? उन्होंने नहीं, अंकुर। किसने किया था? अंकुर ने किया था। कितने लोग थे वो? दो लोग थे। कैसे ले, कार में डाल के ले गए थे तुम्हें? नहीं, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पर डाल के ले गए थे जबरदस्ती से? कहाँ कहाँ रखा तुम्हें? इलाहाबाद गए थे। लड़की के घर वालों ने मामले की इत्तला थाने में दी, साथ ही अंकुर और उसके दूसरे साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लग पाई। हैरान कर देने वाली दास्तान ये है कि जब घर वालों को पता लगा कि लड़की एसपी विधायक हरिओम राय के शिकोहाबाद घर में बंधक बनाकर रखी गई है, तब फौरन पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को विधायक के घर से बरामद किया। इस पूरे मामले में पुलिस का बड़ा ही ढीला रवैया रहा, पुलिस पर एसपी विधायक के दबाव में काम करने का आरोप भी लगा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, पुलिस ने दबाव में कार्य नहीं किया है, नहीं करेगी और अपहरण की बरामदगी जो प्रथम दायित्व था वो पुलिस द्वारा किया गया है और जैसा मैंने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश है उस क्रम में कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता जो भी बयान देगी कोर्ट के समक्ष उसके आधारों को रखते हुए जो तथ्य निकल के आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी और किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का पुलिस द्वारा दबाव न बनाया गया है और न बनाया जाए। फिलहाल लड़की के बयानों के आधार पर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और समाजवादी पार्टी के विधायक पर लगे आरोपों की सच्चाई जांची जा रही है। आगरा से भूपेंद्र और फिरोजाबाद से जितेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।